यदि आप परमात्मा के भक्त है, यदि आप प्रभु भक्त है, तो आपके जीवन में तीन क्वालिटीज होनी चाहिए। ये तीन चीजों को हमेशा साथ में रखकर आगे बढ़ना, ताकि आपकी प्रभु भक्ति सार्थक हो जाएगी। सार्थक प्रभु भक्ति बहुत जरूरी है। प्रभु भक्ति तो संसार में बहुत कोई करता है, और इसलिए हमारे यहां लिखा गया कि नमर नमन में फिर है बहुत नमे नादान। कहा कि मात्र झुक जाना परमात्मा भक्ति नहीं है। परमात्मा की प्रतिमा देख ली, हम झुक गए। परमात्मा का जिनालय देख लिया, हम झुक गए। परमात्मा का मंदिर देख लिया, हम झुक गए। ये मात्र झुक जाना, ये परमात्मा भक्ति नहीं है। परमात्मा भक्ति में तो क्या होना चाहिए? भीतर की श्रद्धा, भीतर का अहोभाव होना चाहिए, और उसके साथ में झुकना हो तो परमात्मा भक्ति हमारी सार्थक हो सकती है। इसीलिए हमारे यहां लिखा गया कि नमन नमन में फेर है बहुत नमे नादान, दगाबाज दूना नमे चित्ता चोर कमान। कहा कि जो भीतर में गलत भाव रख कर बैठा हुआ है, वो दुना दुगना झुक जाता है, वो दुगना झुक जाता है, वो दुगना नमन करता है। लेकिन फिर भी शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि समझना, जागृत रहना, मात्र झुक जाना ये भक्ति नहीं है। मात्र परमात्मा के सामने जाकर के हाथ जोड़ देना ये भक्ति नहीं है। मात्र परमात्मा के सामने जाकर के स्तवन गुनगुना लेना ये भक्ति नहीं है। मात्र परमात्मा के सामने जाकर के उनकी स्तवना कर लेनी ये भक्ति नहीं है। भक्ति तो अलग ही क्षेत्र में आपको ले जाती है, भक्ति तो अलग ही लेवल पर आपके जीवन को पहुंचाती है। भक्ति भी एक साधना है। जिस तरह से ज्ञान एक साधना है, उसी तरह से भक्ति भी एक साधना है। ज्ञान के क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना है तो भीतर में साधना को जगाना पड़ता है, भीतर की साधना को तैयार करना पड़ता है, और तब जाके आप ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ पाते हो। इसी तरह से शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि जिस तरह से ज्ञान एक साधना है, ज्ञान का उपार्जन करना एक साधना है, उसी तरह से भक्ति करना या प्रभु भक्त बनना यह भी एक साधना है। और कहा के यदि आप प्रभु भक्त हो तो आपके पास तीन चीजें हमेशा होनी चाहिए। कहा नंबर वन, सबसे पहले नंबर में विवेक होना चाहिए। भक्त कौन? जिसके पास विवेक हो। जब भी परमात्मा के मंदिर में जाए, जब भी परमात्मा के जिनालय में जाए, जब भी गुरु भगवंत के समीप जाए, आपके जीवन में हर हम में विवेक की भावना, विवेक की दृष्टि जागृत रहनी चाहिए। कहां है हमारे पास विवेक? हम मंदिर में जाते हैं फिर भी हमारे पास विवेक नहीं होता। मंदिर में जाए तो कैसे वस्त्रों को धारण करना कर जाए, यह भी हमारे पास विवेक नहीं है। कैसे वस्त्रों को धारण करके मंदिर में जाना चाहिए, यह भी हमें पता नहीं है। कैसे भावों को लेकर के मंदिर में जाना चाहिए, यह भी हमें पता नहीं है। और इसीलिए हमारे यहां कहा जाता है कि हम तो कैसे हैं कि मंदिर में जाते हैं तब भी सूखे ही जाते हैं, और बाहर आते हैं तब भी सूखे ही बाहर आ जाते हैं। कैसा हमारा मन, कैसा हमारा हृदय कि परमात्मा के सामने जाकर के, परमात्मा के समीप जाकर के, परमात्मा के पास जाकर के भी जरा सा भी पिघलता नहीं है, सूखा का सूखा ही रह जाता है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आप प्रभु भक्त है तो आपके जीवन में तीन क्वालिटीज होनी चाहिए। नंबर वन, आपके जीवन में विवेक होना चाहिए। मंदिर जाए तो विवेक रखे, कैसे वस्त्रों को धारण करके मंदिर में प्रवेश करे, विवेक होना चाहिए। आज कितनी बड़ी करुणता हमारे जीवन में है, हमारे सामने है, हमारे समाज में है। हर मंदिर के बाहर आज बोर्ड लगाना पड़ता है कि जैसे तैसे वस्त्रों को धारण करके मंदिर में न पधारे, गलत वेशभूषा को धारण करके मंदिर में ना पधारे, ऐसा बोर्ड मंदिर के बाहर लगाना पड़ जाए, ऐसी आज की कंडीशन है। हम परमात्मा के पास जाए और हमारे भीतर ये विवेक ना हो कि कैसे वस्त्रों को धारण करके जाए, जिनालय में अंदर चले जाए, उसके बाद में हमारे पास ये विवेक ना हो कि कैसे परमात्मा के दर्शन करें, कैसे परमात्मा की स्तवना करें, कैसे परमात्मा की भक्ति करें, कैसे परमात्मा के सामने खड़े रहे, किस तरह से परमात्मा की पूजा करें। मैं तो कई बार देखता हूं जिनालय में हम दर्शन कर रहे होते हैं, और अभी तो स्तवन की शुरुआत की हो, स्तवन परिपूर्ण हो, उसके पहले कई लोग पूजा करके वापस बाहर भी निकल जाते हैं।
आप देखो तो लगता है कि मशीन चल रहा है या हाथ चल रहा है। इतना फास्ट फास्ट फास्ट, इतनी फास्ट पूजा, हमको लगता है कि पूजा क्यों कर रहे हैं लोग, एक मिनट की शांति नहीं। ऐसी पूजा क्या काम की, क्या फल दिलाएगी ये पूजा आपको? और फिर आपके मन, आपको मन में संतुष्टि हो कि नहीं, मैंने आज परमात्मा की पूजा कर ली, मैंने आज परमात्मा की भक्ति कर ली। गुरुदेव, मेरा तो नियम है कि रोज परमात्मा की पूजा कर लेना, पर इस तरह की पूजा कोई काम की नहीं है, बराबर समझ लेना। कैसे हो परमात्मा की पूजा, भाव कहां से आएगा? विद इन 30 सेकंड, विद इन 1 मिनट आपकी पूजा पूरी हो जाती है। ठीक है, पीछे लाइन लगी हुई हो, जल्दी करना वो अलग बात है, लेकिन पीछे कोई खड़ा ना हो, मंदिर जी में शांति हो, और फिर भी हमारी पूजा में शांति ना हो, तो समझ लाना कि अभी तक हमारे भीतर विवेक नहीं जागृत हुआ। प्रभु भक्त वो जिसके जीवन में विवेक हो, विवेक के साथ वो मंदिर जी में जाए, विवेक के साथ परमात्मा की पूजा करे, विवेक के साथ परमात्मा की भक्ति करे। और एक चीज समझ लेना, हमारे यहाँ पे लिखा गया कि भक्ति में यदि विवेक ना हो तो वह भक्ति अपराध बन जाती है। भक्ति पुण्य कर्म का बंद करने के लिए है, लेकिन भक्ति में विवेक ना हो तो वही भक्ति अपराध बनकर पाप कर्म का बंद करवा देती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मंदिर जी में जब भी जाए, विवेक को साथ में रखे, जीवन में जब भी आगे बढ़े, हमेशा विवेक के साथ आगे बढ़े। नंबर 2, कहा आप यदि परमात्मा के भक्त हो तो आपके जीवन में 3 क्वालिटीज होनी चाहिए। नंबर 1 विवेक होना चाहिए, नंबर 2 धैर्य होना चाहिए, ताकि वही भक्त कुछ पाया जीवन में, वही भक्त ने जीवन में कुछ प्राप्त किया, वही भक्त ने जीवन में कुछ पाया जिसके जीवन में धैर्य था। हमारा जमाना आजकल का इंस्टेंट का है, हमें हर चीज फटाफट चाहिए, हर चीज में हमारे जल्दबाजी होती है, हर चीज में हमें जल्दी चाहिए, इसलिए भक्ति का रिजल्ट हमें प्राप्त नहीं हो सकता। कहा कि भक्ति तो वो, भक्त तो वो जो कभी थके ही नहीं। हम बहुत जल्दी थक जाते हैं। परमात्मा भक्ति करने के लिए हो, परमात्मा के जिनालय में गए हो, और फिर भी वहां भी हमारे पास पेशेंस नहीं है, वहां भी हमारे पास धैर्य नहीं है, वहां भी हम शांति से नहीं बैठ पाते। इसलिए मैं आपको कहता हूं ना बार बार कि जीवन में एक भी क्रिया आपके ऐसे नहीं है जो शांति से आप कर पाते। एक भी कार्य जीवन में आपके ऐसा नहीं है जो आप शांति से कर पाते हो, न भोजन शांति से कर पाते हो, न निद्रा शांति से ले पाते हो, न काम शांति से कर पाते हो, और न भक्ति भी शांति से कर पाते हो, और न धर्म भी शांति से कर पाते हो। कोई भी चीज में शांति नहीं है, कोई भी चीज में धैर्य नहीं है, कोई भी चीज में धीरज नहीं है, कोई भी चीज में आपके जीवन में पेशेंस नहीं है, इसलिए आपको रिजल्ट नहीं मिल पाता, आप रिजल्ट से वंचित रह जाते। मैं तो कई बार कहता हूं कि आज के समय में, आज के माहौल में, आज के मशीन के युग में आपके पास से सबसे बड़ा कोई माइनस पॉइंट आपके जीवन में खड़ा हुआ है तो वो है आपका पेशेंस खत्म हो गया। आज किसी के भी पास धीरज नहीं है, किसी के भी पास धैर्य नहीं है। और इसलिए शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि प्रभु भक्त वो जिसके जीवन में धीरज हो, जिसके जीवन में धैर्य। और हमारे यहां तो लिखा गया कि समझिएगा, जितना बड़ा फल प्राप्त करना हो उतना बड़ा धैर्य आपके जीवन में होना चाहिए, जितना कम धैर्य उतना फल की प्राप्ति भी छोटी हो जाएगी। हम परमात्मा के सामने जाकर के मांगते क्या है, क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए? अगला जन्म मनुष्य जन्म चाहिए, सदगति चाहिए, सीधा मोक्ष चाहिए, क्या चाहिए बोलो ना। मांगते क्या हो परमात्मा के सामने जाकर के? मोक्ष मांगते हैं। क्या मांगते हैं? मोक्ष मांगते हैं। जब भी परमात्मा के सामने जाते हैं तो परमात्मा से ये याचना करते हैं, ये मांगते हैं कि प्रभु हमें मोक्ष दे देना, प्रभु हमें सदगति दे देना। लेकिन शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि जीवन में समझ लीजिएगा, जितना बड़ा धैर्य आपके जीवन में है उतना बड़ा फल आपको प्राप्त। धीरज जितनी आपके जीवन में है उतना बड़ा फल आपके जीवन में प्राप्त हो सकता है। अरे मात्र धर्म के क्षेत्र नहीं, मैं तो संसार के क्षेत्र में भी कहना चाहता हूं कि आपको चाहे कोई भी फल की प्राप्ति करनी हो, धैर्य नाम का गुण आपके जीवन में होना चाहिए।
जिसके जीवन में धैर्य नहीं है उसको कभी भी बड़ा फल प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए यदि हमारी चाहना मोक्ष की हो, यदि हमारी चाहना सदगति की हो, यदि हमारी चाहना अगले जन्म में भी अच्छे भव की हो, तो शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि धैर्य आपके जीवन में होना चाहिए। सच कहना, एक ही मंत्र की माला हम कितने दिनों तक भावों से गिन सकते हैं? मंत्र बदल जाए तो बात अलग है, लेकिन वही नमस्कार महामंत्र की माला हमने जिस दिन शुरुआत करी थी, पहले दिन किसी ने हमें नमस्कार महामंत्र सिखाया था, गुरुदेव ने हमें दिया था कि ये नमस्कार महामंत्र का जाप करना बड़ा प्रभावशाली है, और वही माला हमने पहले दिन फेरी हो, आज 2 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद वही माला फेरते हो, कितना फर्क आ गया। धीरज नहीं है, धैर्य नहीं है, प्रतीक्षा करने की ताकत हो वही प्रभु भक्त बन सकता है, और कोई नहीं बन सकता। जिसके भीतर, अरे आप देखिएगा परमात्मा महावीर ने कितनी प्रतीक्षा करी, 27 भवों तक प्रतीक्षा करी, तब जाके उनका भी तो कल्याण हुआ। हमारे पास 27 मिनट प्रतीक्षा करने की ताकत नहीं, 27 भव तो बहुत दूर की बात है, 27 साल भी बहुत दूर की बात है, मैं कहता हूं 27 घंटे नहीं, 27 मिनट भी आप प्रतीक्षा कर सको, आप धैर्य धारण कर सको, ऐसी ताकत आपके भीतर नहीं है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जीवन में समझ लीजिएगा, धर्म चाहे धर्म हो चाहे प्रभु भक्ति हो, सभी धैर्य मांगते हैं। परमात्मा महावीर के जीवन में भी पहला भव और अंतिम भव दोनों के बीच में 27 भवों का गैप हुआ। कितने साल बीते होंगे, कितना समय निकला होगा, कितना जीवन आगे बढ़ा होगा, तब जाके उनका भी तो कल्याण हुआ। मैं कहता हूं हम तो उनसे भी गए गुजरे हैं, हमारी आत्मा की क्वालिटी तो उनसे भी खराब है। हमारे जीवन का यदि कल्याण करना हो तो धैर्य तो रखना ही होगा, लगातार प्रभु भक्ति में डूबना है, लगातार प्रभु भक्ति में रहना है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो भी प्रभु भक्त है उसके जीवन में 3 क्वालिटीज निश्चित तौर पर होनी चाहिए। नंबर वन विवेक, नंबर 2 धैर्य, एंड नंबर 3 आनंद। कहा कि परमात्मा भक्ति में आनंद होना चाहिए, कि जब भी परमात्मा को देखे, जब भी परमात्मा को जाने, जब भी परमात्मा के समीप जाए, निकट जाए, तो हमारे 3.5 करोड़ रोम राज्य में आनंद व्याप्त होना चाहिए, हृदय आनंद से भरना चाहिए। देखते हैं मंदिर में कई लोग आते हैं, आकर चले जाते हैं, लेकिन कहीं पर भी परमात्मा से जुड़ नहीं पाते, कनेक्ट नहीं हो पाते, क्योंकि उनके जीवन में आनंद नहीं है। परमात्मा मिले उसका आनंद, परमात्मा के दर्शन हो उसका आनंद, परमात्मा की प्राप्ति हो उसका आनंद कितना होना चाहिए, ये आप जानते नहीं। अरे आप देखो, ये संसार में कई लोग ऐसे हैं जिनको परमात्मा के दर्शन नहीं हो पाते, कई लोग ऐसे हैं जो परमात्मा की स्पर्शना नहीं कर पाते, कई लोग ऐसे हैं जो परमात्मा की पूजा नहीं कर पाते, लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद भी, इतना कुछ मिलने के बावजूद भी हमारे जीवन में आनंद नहीं। और इसलिए शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि समझना, आनंद होना चाहिए। जब भी प्रभु भक्त हो, प्रभु भक्त का जीवन हो, और उसके जीवन में जब भी आप देखो तो आपको पता चलना चाहिए कि आनंदित है। और मैं तो कहता हूं समझिएगा, 100 कारण आनंद का अनुभव आपने जीवन में कई बार किया है। आपको व्यापार में मुनाफा हो गया, आप आनंदित हो गए। आपका बेटा एग्जाम में पास हो गया, आप आनंदित हो गए। आपको अचानक से कोई धन लाभ हो गया, आप आनंदित हो गए। आपको किसी ने सत्ता के सिंहासन पर बिठा दिया, आप आनंदित हो गए। आपकी योग्यता नहीं थी, फिर भी किसी ने आपकी प्रशंसा कर ली, आप आनंदित हो गए। सकारण आनंद तो आपने जीवन में बहुत बार अनुभव किया है कि कोई ना कोई कारण मिला हो और आप आनंदित हुए हो, कोई ना कोई कारण बना हो और आपको खुशी हुई हो। लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जीवन में यहां आने के बाद में समझ लेना, अकारण आनंद का अनुभव करना जिसको आ जाए ना, उसका जीवन अद्भुत बन जाता है। हैप्पीनेस विदाउट रीजन, विथ रीजन हैप्पीनेस आपकी लाइफ में बहुत सारी है। जब भी जीवन में कुछ अच्छा हुआ, आप खुश हो गए, आप राजी हो गए, आप प्रसन्न हो गए, आप आनंदित हो गए। लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि विदाउट रीजन हैप्पीनेस आपकी लाइफ में कितनी है? कब ऐसा हुआ कि आप अकेले बैठे हो और आप मुस्कुरा रहे हो, आप प्रसन्न हो, आप आनंदित हो? विदाउट रीजन हैप्पीनेस, विथ रीजन हैप्पीनेस हो, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
वो तो रीजन का प्रभाव है, वो कारण का प्रभाव है कि वो कारण आपके जीवन में घटित हुआ, इसलिए आप आनंदित हुए, इसलिए आपको आनंद हुआ, इसलिए आपको खुशी हुई। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि चाहे परमात्मा का भक्त हो और चाहे परमात्मा का साधु हो, वो हमेशा अकारण आनंदित रहता है, हमेशा आनंद में। ये ताकत जीवन में खड़ी करने की कोशिश करना कि विदाउट रीजन हैप्पीनेस आपकी लाइफ में। और परमात्मा भक्ति की यही ताकत है, आप परमात्मा से जुड़ पाए, आप धर्म से जुड़ पाए, आप परमात्मा के भक्त बन पाए, तो समझ लेना आपके जीवन में भी अकारण आनंद आएगा। आनंद के लिए कारण की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कारण बहुत कम मिलते हैं और ये संसार है। ध्यान रखिएगा, यहां आनंद के कारण बहुत कम है, दुख के कारण बहुत ज्यादा है। जो संसार में हम जीवन जीते हैं, जो संसार में हम आगे बढ़ रहे हैं, ये संसार है। ध्यान रखिएगा, जागिएगा, यहां आनंद के कारण बहुत कम है, दुख के कारण बहुत ज्यादा है। और ये संसार में आकर के परमात्मा के साथ जुड़ करके धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ करके भी यदि हमारे जीवन में अकारण आनंद का प्रवेश नहीं हुआ, तो समझना अभी तक हम सही मायने में जुड़ नहीं पाए। अकारण आनंद कितना, देखिए गुरु भगवंतों को, देखिए साधु संतों को, देखिए श्रवण श्रवणी भगवंतों को, देखिए ये 14-15-16 हजार साधु साध्वी जी को, कि उनके जीवन में अकारण आनंद कितना है। हमने देखा है गुरु प्रेम को, आधी रात को नींद में से जगाओ फिर भी उनके मुख के ऊपर प्रसन्नता आपको झलकती दिखाई पड़ती है। ये कहां से आता है? भीतर जब भरा हुआ होता है तो अकारण आनंद आपके जीवन में प्रकट होता है, और भीतर जब खाली होता है तो सकारण भी आनंद आप नहीं ले पाते। परमात्मा भक्त वो है, धार्मिक व्यक्ति वो है, सज्जन व्यक्ति वो है, संत वो है जो बिना कारण ही हमेशा आनंद में रहे, उसके चेहरे के ऊपर प्रसन्नता आपको हमेशा दिखाई पड़े, उसके भीतर में आनंद हमेशा व्याप्त हो और अकारण आनंद हो, वही समझ लेना सही मायने में धार्मिक। वही तो संत की परिभाषा है। संत की परिभाषा और क्या हो सकती है? जो विदाउट रीजन आनंद में रहना सीख जाए, विदाउट रीजन हैप्पीनेस जिनके पास हो, वही तो संत है। संसार में रह करके भी संत कब बना जा सकता है? जब आपको अकारण आनंद लेना आ जाए। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जीवन में अकारण आनंद आप कितना ले सकते हो, अकारण आनंद में आप कितना रह सकते हो, एक बार जरूर चेक कर ले। यदि हमको लगता है कि हम परमात्मा के भक्त है, हम परमात्मा भक्ति में जुड़े हुए हैं, तो निश्चित तौर पर ये तीन चीजें हमारे जीवन में होनी चाहिए। सबसे पहले नंबर में विवेक होना चाहिए, नंबर टू धैर्य होना चाहिए, और नंबर थ्री आनंद होना चाहिए। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।